आपके अलावा भी बहुत सारे लोग पीटीआई में और बहुत सारी पार्टियों में पिछले मैं कम समझता हूँ कि 10-15 सालों में अच्छी एडिशन्स हुई हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग आए हैं और ये एक बड़ा अच्छा एडिशन है। और आई थिंक ये सिविल सोसाइटी को, एजुकेटेड क्लास को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बिकॉज कि एक तरफ हम क्रिटिसिज्म तो बहुत करते हैं लेकिन सोल्यूशन यही है कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बने। और ज़रूर नहीं कि आप कम्प्लीटली ज्वाइन करके करें, बट आप एक प्रोसेस का पार्ट ज़रूर हों। इस हवाले से मेरी एक चीज़ और ये है कि पाकिस्तान की देखें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी हैं और एक चीज़ कम अज़ कम मैं इसको हर फोरम पे उठाता हूँ, पाकिस्तानी डायस्पोरा जहाँ पर होता है या पाकिस्तानी कम्यूनिटी जहाँ पर होती है, कि इस मुल्क के जो भी बड़े मसले हैं, बड़े इशूज़ हैं, 10, 12, 15, 20, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, उस पर सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, कंसर्न स्टेक होल्डर्स को, इदारों को एक पेज पर होना चाहिए। और ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और मेरी मुराद सिर्फ इस हुकूमत से नहीं है, ये पहले होना चाहिए था, बट अगर आज ये हुकूमत है तो इसको ये काम करना चाहिए। बिकॉज के देखें, अगर आप इस मुल्क के बड़े इशूज़ पे एक उस पर ना, जैसे कश्मीर के इशू पे आप हमेशा एक जगह खड़े होते हैं, उस पर कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है, तो इसी तरह से अगर बहुत सारे बड़े मसले हैं, डैम का इशू है, एनर्जी का इशू है, इकॉनमी का ओवरऑल इशू है, क्योंकि देखें हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से सिर्फ उसी वक्त फाइट कर सकते हैं, उसी वक्त कॉम्पीट कर सकते हैं जब इंटरनली हम स्ट्रॉन्ग हो। विदाउट इंटरनली स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान वी कांट कॉम्पीट विद दी मतलब यू नो रीजनल पावर्स और द सुपर पावर्स। तो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट भी उसी में है, पाकिस्तान कितनी भी फॉरेन पॉलिसी में कुछ भी कर ले, लेकिन अगर इंटरनली स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान नहीं है, और इंटरनली स्ट्रॉन्ग आप सिर्फ इकॉनमी से हो सकते हैं, बाकी चीज़ें खुद ब खुद सेट होना शुरू हो जाती हैं। इस हवाले से आपकी गवर्नमेंट की कोई सोच, बिकॉज हम ये देखते हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे कोलैबोरेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो जो घर का बड़ा होता है ना उसको हमेशा झुकना होता है, और वैसे भी कोई इंसान बड़ा होता है उसके झुकने से उसकी इज्जत बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। हमने ये चीज़ देखी है कि कई जगहों पे क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म होता है। आप जैसे बहुत सारे सेंसिबल लोग पार्टी में हैं जो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सिर्फ आप नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लगता है कि वो नंबर गेम के लिए, एक क़यादत के सामने आने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा फिर एग्रेसिव हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स ताली दोनों हाथ से बजती है, अपोजिशन की तरफ से भी यही होता है, उनके भी अच्छे लोग हैं और उनके भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारी पार्टी एफिलिएशन बाद में है, हम पहले पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान इज़ आर प्राइम पार्टी। पाकिस्तान है तो ये सारी पार्टीज़ भी हैं, ये सारे इदारे भी हैं, मैं और आप भी हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से कोई ऐसा डायलॉग अगर शुरू किया जाए जिसमें मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी है या और बहुत सारे इदारे हैं, जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी को इंगेज करें, ये एक एक्सरसाइज होनी चाहिए। बिकॉज ये देखिए दुनिया आगे बढ़ रही है, कोविड तो अभी आया ना, ये निकल जाएगा, लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम कहाँ खड़े हैं? हमारा 2.5 करोड़ जो बच्चा है वो आउट ऑफ स्कूल है इस वक्त, उसका एजुकेशन का मसला है। एनजीओस कुछ भी कर लें, वो एनजीओस एक लिमिटेड कैपेसिटी में काम कर सकती हैं। हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपोज हो गया, पिछले 72 साल में काम ही नहीं हुआ। तो ठीक है वो क्राइसिस बड़ा था लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो अगर आज हम इसको बैठ के डेवलप नहीं करते, अगर हम पॉलिटिकल ब्लेम गेम पे चलते रहते हैं एज नेशन, मैं आपसे एज नेशन बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर पार्टी, बट एज नेशन, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, तो इस हवाले से गवर्नमेंट या आपकी क्या सोच है और इस पर कोई एक्शन आप लें, आप इनिशिएट करें। और देखें एक आपको फीडबैक और दूँ कि हुकूमत ए वक्त अगर 4 जगहों पे कॉपरेट करती है ना, बेशक अपोजिशन अगर उसको क्रिटिसाइज भी कर रही है तो वो करने दें आप क्रिटिसाइज, 2 हफ्ते में चीज़ें खुद बहुत क्लियर होंगी और अपोजिशन खुद बहुत एक्सपोज होगी। तो मेरा कम अज़ कम एज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, मेरा कम अज़ कम ये एक व्यू है कि हमें इस नज़र से इस मुल्क को देखना चाहिए। बिकॉज के आज हमारे पास ये 4, 6, 8 साल हैं, अगर हमने ये टाइम ज़ाया कर दिया तो वी विल मिस द बस, वी विल मिस द ट्रेन। This is my fear as the concerned citizen of Pakistan. देखें आपने जो बातें की ये तो इसमें कोई बहस ही नहीं है कि ये ऐसा होना चाहिए। अब जो होता क्या है कि बुनियादी तौर पे जब आपकी had this been the only reason, yes, then you know we would have said कि ये एक वजह है और इसको हम बिल्कुल एड्रेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मली जब एक एक पॉलिटिकल सिस्टम या एक जो मुआशरा है वो उसकी अगर बुनियाद रूल ऑफ लॉ पे नहीं है, और वो जब रूल ऑफ लॉ पे नहीं होगी तो वो ज़ाहिर है कि या धौंस के ज़रिए या धमकी के ज़रिए, डर के ज़रिए, या आपको हिर्स या आपको लालच या आपको इंटाइसमेंट के ज़रिए होगी। तो लोग हमेशा एक पॉलिटिकल पैटर्नेज ढूंढते हैं बिकॉज उनको
लॉ पे एतबार नहीं है। हैविंग सेड दैट, जब हम ये कहते हैं कि हम उनके साथ बिल्कुल, वो हमारे उनके साथ सियासी इख्तलाफात हैं हमारे जो वो हैं, और अगर आप घर में स्ट्रांग नहीं हो गए आप बाहर स्ट्रांग हो ही नहीं सकते, ये तो इसमें तय है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब इशू ये है कि ये आया कि ये सोच सिर्फ हमारी है या होनी चाहिए, या ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कोई शक नहीं कि बीइंग द गवर्नमेंट हमने वो करना है। लेकिन अगर आप अपने बेसिक इशू पे कंप्रोमाइज़ कर जाएं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हर चीज़ को पॉलिटिसाइज़ किया, इवन कोविड को पॉलिटिसाइज़ किया, जिसमें कि वो सिंध में जाते थे, हमारी एक इंक्लूसिव कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एक बॉडी NCOC थी, वो बाहर जाके पॉलिटिक्स शुरू कर देते थे, ठीक है वो उनको करेंगे। लेकिन देखें, ये तो कोई भी सोसाइटी जिसमें कि जजाओ सजा का निज़ाम ना हो, जिसमें कि इस मुल्क को जिस तरीके से प्लंडर किया गया है वो आपको पता है, सबको पता है। इन्हीं लोग स्कूटर पे आए थे और वो अब जहाज़ों के मालिक हो गए हैं, भाई कैसे हुए हैं? हमने तो बड़ी मेहनत भी की है लाइफ में, हमारे लीडर ने भी किया है। सवाल का जवाब यहाँ पे कोई देना नहीं चाहता। जब इस किस्म का माहौल होगा तो वो अगर हाईजैक करेंगे अपनी जो उन्होंने वेल्थ बनाई है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, अगर ओपोजिशन वाले अगर वो एक वो करेंगे तो हम अगर सोने के भी बन जाए ना, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस तरह खान साहब ने कहा कि आज वो डिसाइड कर लेना कि उनकी जो ये हमारा जो ये स्टैंड है इससे हम पीछे हट जाएं, देन यू नो इमरान खान कैन रूल फॉर 20 ईयर्स एंड दिल से कि जी उससे बड़ा लीडर कोई है नहीं। अब दे ये एक वो कॉल है, इसमें काफ़ी बहस हो सकती है कि जी चलें आप नीचे हो जाएं जिस तरह आपने कहा भी झुक जाएं, लेकिन हम मतलब है हम अपने जो हमारा जो बुनियादी नज़रिया है उस पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो वजह जो वो चीज़ें जो कि इस मुल्क की बदहाली की वजह बनी है उस पर तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड इफ़ वी डू नॉट फर्स्ट एक्सेप्ट के दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे आपने देखा है कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं है, वो ये कहते हैं कि जी अगर हमारे असासे हमारी आमदन से ज़्यादा हैं तो तानू की, दूसरे कहते हैं कि जी अगर आपके अकाउंट में किसी ने पैसे डाल दिए हैं तो उसमें वो तो उसकी जिम्मेदारी, यू नो ये एक प्रॉब्लम है। इसमें इसको जब तक ये पॉलिटिकल कल्चर जो कि पैसे से जुड़ा हुआ है, जो अपना जजा और सज़ा हिसाब, अब आपने प्राइम मिनिस्टर पे मुकदमा किया, आपने उन्होंने अपनी वो दे दी मनी ट्रेल दे दी, किस्सा ख़त्म हो गया ना। हमारा सवाल ये कि 2-3 सवाल हैं, इनके आप जवाब दें, कोर्ट्स को दें और हम भी लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेकिन वो कोई करने को तैयार नहीं है। लेकिन आप कहें कि जी जो मेरी जो चीज़ें हैं उसको कोई आप टच नहीं करेंगे, मुझे आप टच नहीं करेंगे, बाकी हम बिल्कुल आपके साथ हैं, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। एंड आई थिंक यस, आइडियल सर्कमस्टांसिस में तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन पीपल हैव टू पे फॉर व्हाट दे व्हाट रॉन्ग दैट दे हैव डन।